किसी को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानने लगी मेरे भाई? मैं तो नहीं मानती लेकिन कि अगर कोई सिर्फ कुरान शरीफ ही अगर काफी होती तो नबी साहब को और बाकी के पीर पैगंबर को दुनिया में भेजा ही क्यों गया था? अल्लाह क्या करते कि कुरान शरीफ बना के इंसानों को बना के छोड़ देते थे कि एक काम करो, बुक पढ़ो और उसके हिसाब से जी लो करके। लेकिन इमाम पैगंबर पीरों को इसके लिए बनाया गया था, भेजा गया था, ताकि कुछ लोग जो बुक को पढ़ के भी नहीं समझ सकते, आप जैसे लोगों को बताने के लिए रास्ता, के भाई इसका मतलब ये नहीं होता। एक स्कूल है और एक बुक है, लेकिन टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा हो सकती है जब अल्लाह ने कह दिया कि यही तुम्हारा फाइनल सिलेबस है, यही तुम्हारी फाइनल बुक है, इसके बाद मजीद स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही तुम्हारे लिए फाइनल हिदायत है। जब फाइनल कोर्स अल्लाह ने कर दिया, तो अगर आप कहते हैं कि आगे जाके हमें नए चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपका इमाम अपने साथ नई किताब क्यों नहीं लेकर आया नए सिलेबस की? नई किताब लेके नहीं आए। हमको जो फरमान भेजते हैं ना, वो नई किताब ही हुई ना हमारे लिए। तो फिर तो उसका कि कुरान है, बोल रहे हो आप ये नहीं बोल रहे? हम कुरान को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, हम कुरान की बात भी मानते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमारे जो इमाम है, जो कुरान के होने के बावजूद भी दुनिया में भेजे गए हैं, उनको इसके लिए भेजा गया है ताकि हमको हिदायत देके दुनिया में कैसे जिया जाए बताए, और वो ठीक है, बता रहे। मिलेगा, मैं अपनी बात कर लूं फिर आप जवाब दीजिएगा। श्योर। हमारे यहाँ कुरान में जो कमांडमेंट्स अल्लाह ने दी हैं, हम उसी को मानते हैं। आपने कहा आपने खाली कुरान को पकड़ के रखा है। जी बिल्कुल, हमने कुरान को पकड़ के रखा है। जी अब आप बिल्कुल। कहते हैं, एक सेकंड, अब आप कहते हैं हम कुरान को भी मानते हैं, हम इमाम को भी मानते हैं। अगर कुरान और इमाम के बीच में आपको कुछ चूज करना पड़ा मलिक भाई, तो आप किसको चूज करेंगे, कुरान को या इमाम हम को? इमाम को चूज करेंगे, हम इमाम को चूज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली, वो अभी अच्छा, आप हमको बोलते हैं कि आप इमाम को मानते हैं, इमाम को बोलो मौजीजे करके बताए। आप नहीं नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं बताओ नहीं ना, नहीं कुरान शरीफ कौन से मौजीजे कर रही है आपकी? नहीं 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 बात सुन ले, बात सुन ले। कुरान इटसेल्फ इज जी अ मौजज़ा, कुरान अपने आप में एक मिरेकल है। अच्छा ऐसा बात आपका सुनिए, मानना है ना भाई, एक ऐसा सेकेंड आपका एक मानना है। सेकेंड मलिक भाई रिलैक्स, जी एक सेकेंड एक ओके सेकेंड। ओके आपने अभी कहा कि कुरान और इमाम के बीच में मुझे कुछ मानना पड़ा, तो आप इमाम को मानेंगे, कुरान को नहीं बिल्कुल मानेंगे। आप बिल्कुल। ठीक है, आप ये चीज मानते हैं कि कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुबहान तआला? ठीक या उनके तरफ से ही आई हुई बुक है वो। है, इमाम जो चीजें बोलते हैं दैट इज द वर्ड ऑफ एन इमाम? इमाम में हम मानते हैं कि अल्लाह का नूर है एक करके, वो जो सेकेंड, बोलते हैं एक उनको हिदायत सेकेंड मिलती है, वो हमको देते हैं। मलिक भाई, एक सेकेंड। कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह, फरमान इज द वर्ड ऑफ इमाम। ठीक, एग्जैक्टली आपने कहा कि मैं वर्ड ऑफ इमाम मानूंगा, मैं वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानूंगा। यही हुआ, नहीं, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ही इज द आप चीजों मैसेंजर ऑफ को ना गॉड। दूसरी दूसरी सूरत देना चाह रहे हो। नबी है देखो आप क्या कर रहे हो मालूम है कि एक टाइम पर मलिक एक जो किताब आई भाई, थी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यू जस्ट सेड ओके कि इमाम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नो, रसूल अल्लाह? इनफैक्ट यू नीड टू नो, यू मलिक नीड टू नो, ए लाइव सहनी, मलिक मैसेंजर सहनी, कैन बी मच बेटर देन एन अनलाइव मैं मैन। पूछ रही हूँ, नबी दीन तब लाता है जब अल्लाह की वही उसके ऊपर आती है। अल्लाह हुक्म करते जी हैं, नबी करके बताते हैं। आपका इमाम क्यों नहीं, चेंज करेगा चीजें, उसके पास क्योंकि वही उनको अल्लाह वही हुक्म देते हैं, अल्लाह अल्लाह का उनके पास फरमान आता है, है। That's हम ये it. मान दिया था। तो आप तो यही मलिक करते रहोगे, भाई, लेकिन बोलो बोलो, कोई बात नहीं, हम तो सुनेंगे, मलिक मजे भाई, लेंगे आपके। जी मलिक भाई, जी आपके जी इमाम के पास जब अल्लाह बात करते हैं, तो क्या डायरेक्ट बात करते हैं या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं? कैसे कैसे बात करते हैं आपके इमाम से अल्लाह पाक? प्रॉफेट मोहम्मद कैसे बात करते थे? तो नाचियो, वो आप बुक के नाचियो, होने के तो बाद आप भी कैसे पीर नाच पैगंबर रहे दुनिया हो में भेजे गए। मलिक भाई? मलिक भाई, एक चीज जरा सोच सोचो, बोल क्या रहे हो? इमाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते प्रॉफेट हैं? मोहम्मद के पास आते हैं वो आप बात मानते हो, तो इमाम के हाँ, पास आते हैं वो हम बात क्यों नहीं माने? इसलिए इसलिए कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह कलाम करता है अपने नबी से, अपने पैगंबरों से। आपका इमाम पैगंबर है, नबी है, कौन है? उनकी आले अली, आले नबी, औलाद अली है। तो हजरत अली ने कभी कहा कि मेरे पास जिब्राइल आते थे, मैं कुरान में तब्दीली कर सकता हूं? तो हजर मैंने इमाम ना ना, लिसन, नहीं वक्त के हिसाब मलिक से साहब, इमाम हमको लेके चलते हैं, वक्त के हिसाब से इमाम हमको हाँ गाइड करते हैं, और अभी वो मलिक जी भाई, अभी सिर्फ इस पॉइंट पे रहते हैं। आपने कहा आपके इमाम से अल्लाह पाक बात करते हैं, जी करते?
He is a messenger of God, we believe. Okay, he is a messenger of God. Messenger of God को जब आप अरबिक में कहते हैं तो वो बन जाता है रसूल अल्लाह. आप कहते हैं आपका इमाम रसूल अल्लाह है? जी बिल्कुल. अस्तगफिरुल्लाह. हम मानते हैं. अरे आपको नहीं मानते आप. आगा खान 3, peace be upon him has stressed the importance. How could these people use peace be upon him on the name of Aga Khan 3? Because we believe him. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ये लोग. पीस जी बिल्कुल बोलते हैं. हम उनको मानते हैं. बिल्कुल बोलते हैं. छाती ठोक के बोलते हैं. हाँ, अगर किसी मुसलमान में दम है ना, अगर किसी सुनी मुस्लिम में दम है तो रोक के बता ले. तो बातें करें अपने यार. ये कौन सी बात हो गई? मेरा तो एक ही सवाल है मलिक सैनी भाई से कि जहां कुरान में अल्लाह पाक ने कहा कि अब कोई नबी नहीं आएगा, मलिक सयानी भाई कहते हैं ये रसूल अल्लाह हैं, इमाम हमारे रसूल अल्लाह हैं. तो मलिक भाई जो कुरान में लफ्ज आता है कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो क्या आप इस बात का इनकार कर रहे हैं? यानी आप ये इनकार कर रहे हो कि हजरत नबी ने, अमीन नबी साहब ने हजरत अली को इमाम बनाया था, आप इनकार करते हो? नहीं इमाम मलिक भाई, बच्चों की तरह बात मत करो. मैं नबी की बात कर रही हूँ, आप इमाम ला रहे हो. अरे पर नबी 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 ने किसी और को अगर इमाम बनाया है तो यही सोच के बनाया ना कि मेरे बाद ये दुनिया चलाएगा. बच्चे बड़े बन गए. ओके, नबी में क्या क्वालिटीज होती है? वही जो इमाम में है और इमाम अच्छा, में होती है जो हजरत अली में थी. अच्छा, यानी नबी और इमाम दोनों में सेम टाइप की क्वालिटीज होती है? बिल्कुल. अच्छा, यानी कि जिस तरह नबी अल्लाह से बात कर सकता है, इमाम भी अल्लाह से बात कर सकता है? बिल्कुल बात कर सकते हैं. जिस तरह नबी अल्लाह से पूछकर दीन के अहकामात लाते हैं, इस तरह करीम आगा खान भी अल्लाह से पूछकर दीन के अहकामात लाते हैं? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो लाते ही है. ठीक है, तभी तो हम उनके बताए फरमान पे चलते हैं. ओके, ये जो आपके हिसाब से आप जुमला बोल रहे हो कि हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से, ये हिसाब लाते कहाँ से हैं? वो हिसाब हमारा उन पे ईमान है ना, उस पे से लाते हैं. अरे ईमान आपका ईमान कुरान शरीफ पे है ना, ऐसा हमारा ईमान हमारे इमाम पे है.